भारत से नाराज हो गया है ईरान। ईरान ने भारतीय मंत्री के मुंह पर ही भारत को खरी खोटी सुना दी है। कल तक हमें ये लग रहा था और दुनिया को लग रहा था कि भारत और ईरान मजबूत हो रहे हैं और इनके रिश्ते गहरे हो रहे हैं। ऐतिहासिक रिश्ते हैं, इतिहास मौजूद है भारत और ईरान के रिश्तों का। लेकिन दोस्तों, चारबहार पोर्ट को लेकर अब मामला बिगड़ता हुआ नज़र आया है। मैंने आपको बताया था कि चाबहार पोर्ट का दौरा इंडिया के मिनिस्टर ने किया, जिसके बाद 6 क्रेनें भारत की तरफ से फ्री में, लगभग 2 करोड़ डॉलर की क्रेनें जो हैं वो ईरान को दी। क्योंकि जो भी ईरान के साथ इस चाबहार के लिए मेंबरशिप में है, पार्टनरशिप में है, उसको इन्वेस्ट इसी तरह से करना होता है। इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपको मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी जानकारियाँ दे रहा हूँ। इस पूरे सेक्शन की सबसे बड़ी खबर यही है। बड़े अफसोस के साथ आपको बता दूँ कि भारत और ईरान के बीच में थोड़ा तूतू मैमे हो गई है। चारबहार पोर्ट पर ईरान को उम्मीद ये थी, सन 2016 से मोदी जी ने वादा किया था कि ईरान के चारबहार पोर्ट को एडवांस करने में, उसको बढ़ाने में, विकसित करने में मोदी सरकार मदद करेगी। और मोदी सरकार ने बार बार ईरान की उम्मीदों को बढ़ाया था, ये कहते हुए कि हम इसका विकास करना चाहते हैं, इसको बड़ा करेंगे, इसको और बड़ा करेंगे, फैलाएंगे, इसमें और डील करेंगे, ईरान के साथ मिलकर और लंबा हम काम करेंगे। अब ईरान की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थीं। अब आपको बता दूं कि जब ये पोर्ट पर, ईरान के पोर्ट पर भारतीय मंत्री पहुँचे, तो ईरानी मिनिस्टर ने उन्हीं के मुंह पर ही स्पीच के दौरान भारत की आलोचना कर दी। साफ साफ कह दिया कि भारत से हमें उम्मीद ज़्यादा थी, लेकिन भारत उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। भारत ने अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत कम किया है, यानी सिर्फ 6 ही क्रेन दी हैं, जबकि भारत इसमें पैसा भी इन्वेस्ट कर सकता था और 6 क्रेनों की जगह ज़्यादा क्रेनें दे सकता था और भी इन्वेस्टमेंट कर सकता था। इसी के बाद से कहा यह जा रहा है कि भारत और ईरान के रिश्ते में चारबहार पोर्ट को लेकर तल्खी पड़ सकती है। लेकिन इसमें ईरान का नुकसान नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट यह है कि ईरान का झुकाव पाकिस्तान और चाइना की तरफ है। चाइना ईरान के साथ हमेशा से खड़ा रहा है और पाकिस्तान भी ईरान के साथ हमेशा से साथ देता आया है। दोस्तों, अब आपको बताऊं कि ईरान चारबहार पोर्ट को लेकर पाकिस्तान के साथ आने वाले समय में 1.5 से 2-3 महीने के अंदर बड़ी डील, फ्री ट्रेड डील कर सकता है। वहीं चाइना को भी इन्वेस्ट करने का ऑफर ईरान ने पूरी तरह से दे रखा है। लेकिन ये चारबहार पोर्ट भारत के लिए बेहद ज़रूरी है। मोदी सरकार कंजूसी कहीं ना कहीं कर रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। और इतना ही नहीं, जो भारतीय कंपनियां इस पोर्ट का इस्तेमाल कर रही हैं, ईरान उससे खुश नहीं है। उनका ये कहना है कि जो कंपनियों ने वादे चारबहार पोर्ट के लिए किए थे, उस पर ये खरे नहीं उतर रहे हैं। अरे, जब सरकारी वादे से मुकर रही है, अपना वादा पूरा नहीं कर रही है, तो कंपनियां क्या वादा पूरा करेंगी। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि ईरान अब चीन और पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है, और अगर चारबहार पोर्ट भारत के हाथ से निकल गया तो भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। वो इसलिए कि मिडिल ईस्ट तक बड़ी तेज़ी से भारत अपने माल को, अपने एक्सपोर्ट करने वाले साजो सामान को इसी चारबहार पोर्ट से तेज़ी से पहुंचाता है, और इसी चारबहार पोर्ट के ज़रिए ही रूस तक सीधा भारत का रास्ता है। अगर ये पोर्ट भारत के हाथ से निकल जाता है तो भारत को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आपको बता दूं कि कल हमने मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में आपको बताया था कि डील हो सकती है, ईरान और अमेरिका की न्यूक्लियर डील हो सकती है। अमेरिका भी राज़ी था, सारे देश राज़ी थे, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन भी राज़ी था, लेकिन एक देश, इज़राइल, जी हां, इज़राइल ने बिना सर पैर के अपने बाप को कह दिया था, यानी अमेरिका को कह दिया था कि आप डील ना करें, बल्कि उस पर पाबंदियाँ और लगा दें।
इसके एक दिन बाद ईरान की तरफ से बड़ी जानकारी आई है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका देर कर रहा है, डिले कर रहा है, वो जानबूझकर डिले कर रहा है, और जो हमारी प्रिजनर्स की एक्सचेंज वाली जो डील चल रही है वो इस डील से अलग है। हम अमरीकियों को छोड़ेंगे, इसके बदले वो ईरानी कैदियों को छोड़ेंगे, ये डील अलग चल रही है। दोनों मुद्दे अलग हैं जिस पर बातचीत चल रही है और अमेरिका सुस्ती दिखा रहा है। वहीं पर ईरान ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसमें ईरान मुसीबत में फंस सकता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी बात कह दी है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि यह न्यूक्लियर डील जो हो रही है इसका होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने कासिम सुलेमानी की शहादत को भुला देंगे और उनका बदला नहीं लेंगे। अब इससे अमेरिका और ईरान की ये न्यूक्लियर डील लंबे समय तक टल सकती है। वहीं आपको बता दूं कि यूएई ने इजिप्ट में काफ़ी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया है। इजिप्ट के अंदर लगभग 170% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। इजिप्ट और यूएई के रिश्ते तेज़ी से सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर एक और लीग है, मुर्दा लीग, मुस्लिम मुर्दा लीग, मतलब मुस्लिम वर्ल्ड लीग। जी हाँ, मैं पहली बार इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में सलमान रुश्दी पर जो अटैक किया गया है ये सरासर गलत है। मुस्लिम लीग इसका विरोध करती है। इस्लाम में हिंसा और अत्याचार नहीं है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। बेशक ये बात आपकी सही है चचा, लेकिन ये बताइए कि आपके मुंह में कौन सी चीज़ फंस गई है जिसकी वजह से आप फिलिस्तीन पे हो रहे जुल्म पर खामोश हैं। वो रोज़ वहाँ पर एक फिलिस्तीन को एवरेज देखा जाए मारा जाता है, और हर दिन 8 से 10 फिलिस्तीनियों को जेल में भरा जा रहा है। एवरेज के हिसाब से हर दिन 5 फिलिस्तीनी मकानों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन अरब लीग के सेक्रेटरी और अरब लीग के सभी मेंबरों के मुंह में पता नहीं क्या फंसा हुआ है, नहीं बोल पाते, और ये आए हैं सलमान रुश्दी पर अटैक हुआ वो काफ़ी गलत है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं एक बड़ी खबर, लेकिन हंसी की खबर। आपको बताऊं कि इज़राइल के एक बैंक में सांड घुस गया। देखिए सीसीटीवी। दोस्तों पेगासस आप जानते हैं, सुना है, इस सॉफ्टवेयर, इस स्पाई के ज़रिए दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं, राजनेताओं, कलाकारों, पत्रकारों पर नज़र रखी गई, जासूसी की गई। इस जासूसी सॉफ्टवेयर को बनाने वाली कंपनी NSO है जो इज़राइल की है, उसके जो हेड हैं CEO उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है। बड़ी खबर एक ये भी बताना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पर, देखिए फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं महमूद अब्बास इस वक्त तुर्की। रजब तैयब अर्दोगान ने उनको 3 दिन के लिए दौरे पर बुलाया है। अब देखना यह है कि बात क्या निकल के सामने आती है। फिलहाल अभी सिर्फ यही तस्वीरें सामने आई हैं। इसराइल की खुफिया एजेंसी शिन बेट ने महमूद अब्बास को वार्निंग दी है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होने वाले हैं उस इलेक्शन में किसी भी तरह की अड़चन न डालें और हमारे इलेक्शन से दूर रहें। एक और आपको बड़ी जानकारी देता चलूं, लेबनान के तेल के कुएं पर, तेल की फैक्ट्री पर जो इज़राइल ने कब्ज़ा किया है, खबर यह है कि लेबनान की सरकार और इजरायली सरकार बहुत करीब हैं, बहुत जल्द एग्रीमेंट हो सकता है। वहीं इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे गैस के इलाके में जो खुद लेबनान का है उस पर जो कब्ज़ा किया है, बेगैरती देखिए, दूसरे के गैस फील्ड पर कब्ज़ा किया है और वहीं के एक ग्रुप को धमकी दी है कि अगर हमारे उस गैस फील्ड पर हमला किया हसन नसरुल्लाह ने, हिजबुल्लाह ने, तो ये ऐलान जंग होगा। इसी के साथ इस बेगैरत ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को ज़ोर का झटका देते हुए कहा कि जेरूशलम फिलिस्तीन की राजधानी कभी नहीं हो सकती। जेरूशलम इज़राइल की राजधानी थी, है और रहेगी। इसका ये पॉलिटिकल स्टंट माना जा सकता है, लेकिन बात यह है कि सारी दुनिया के
मुस्लिम ममालिक खामोश हैं। वहीं अमरीकी एजेंसी CIA ने भी इसराइल के मुंह पर गू फेंक कर मार दिया है। आपको मैं बता चुका हूं कि कई सारी NGO फिलिस्तीन की बंद कर दी है इसराइल ने, यह कहते हुए कि यह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका की एजेंसी CIA ने जब रिसर्च करा, इन्वेस्टिगेट किया, तो अपनी रिपोर्ट में क्लियर कट लिख दिया कि ये इसराइल ने ज़बरदस्ती बंद किया है। इन संगठनों का, NGO का किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से कोई लेना देना नहीं था। अजी हालात तो ऐसे हैं, खुद यहूदियों की 45 संस्थाओं ने, 45 ऑर्गेनाइजेशन ने, खुद यहूदियों की इसराइली कंपनियों ने, ऑर्गेनाइजेशन ने इसराइल के इस कदम को अमानवीय बताया है और कहा है कि ये जो NGOs फिलिस्तीन के बंद किए हैं, इनका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लेना देना कुछ नहीं था, ये जो काम किया है ये बिल्कुल बेसलेस है, नॉनसेंस है। वहीं पर ईरान के खिलाफ लगातार इसराइल की कोशिश जारी है। इसराइल ने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से फ़ोन पर बातचीत करते हुए कहा है कि हम किसी भी डील से नहीं बंधे हुए, हम किसी भी न्यूक्लियर डील में नहीं हैं, हम वो सब काम करेंगे जिससे ईरान को न्यूक्लियर हथियार ना मिल सके, चाहे हमें जंग लड़नी पड़े, चाहे हमें न्यूक्लियर इस्तेमाल करना पड़े, चाहे हमें रॉकेट दागनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। वहीं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी बात बताई है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब की सरकार से ईरान लगातार टच में है और दोनों देश लगातार इस पे बातचीत कर रहे हैं, रिश्तों को सुधार रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों को इस इलाके में सुधारना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इस इलाके में, हमारे इलाके में ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते ठीक नहीं होंगे, पूरे इलाके में शांति नहीं आ सकती। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही। दोस्तों, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है, इतना सपोर्ट कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।